लाभ अंतरण डीबीटी को लागू किया गया। इससे केंद्र सरकार को अरबों रुपए बचाने में मदद मिली है और भ्रष्टाचार पर सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वंचित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे कई योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है। सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ रविवार को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी आसान है और इससे भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटरऑपरेबल और इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इससे पूरी तरह से सरकार व लोगों के अलावा लोगों व व्यवसायों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सारे हस्तांतरण प्रत्यक्ष और आसान है, ऐसे में भ्रष्टाचार की और कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है और ये अपने आप में फायदेमंद है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है। अजय सेठ ने कहा कि भारत में डीपीआई से लेस डीबीटी उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में वरदान साबित हुआ है जिनका जीवन यापन प्रभावित हुआ था। सरकार डीपीआई के माध्यम से टीकों का वितरण कर और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराकर लाखों लोगों की मदद करने में सफल रही है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव ने इस मौके पर G20 के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हालिया सालों में G20 ने दुनिया को कई झटकों से उभरने में मदद की है और अभी भी वैश्विक आर्थिक समन्वय पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। भारत इसे आगे बढ़ाना चाहता है और खासकर वैश्विक दक्षिण में इसे अधिक प्रासंगिक बनाना चाहता है।